थैंक यू मॉम। यहाँ गाड़ी पार करना जुर्म है। अरे देवर जी, समझाइए अपनी लाडली को, खुद तो पागल हो गई है, दूसरों को भी पागल बना दिया है। क्या हंगामा कर रखा रोशनी? तुम्हारे प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट किया है कि 15 तारीख के फंक्शन का मैं चीफ गेस्ट बनूं। सुना है कुछ कमाल दिखाने वाली हैं? क्या है भाई वो कमाल? कमाल फंक्शन में दिखाऊंगी, आप आइएगा जरूर। आएंगे जरूर, अगर चोर डाकू इनको आने की फुर्सत देंगे तो। वो वक्त आ गया है जब हिंदुस्तान में तातार की सल्तनत कायम हो सकती है। आधी जंग तो हम वैसे भी जीत चुके हैं। हिंदुस्तान के तमाम शहरों में तातार का कानून चल रहा है। बड़े बड़े बिल्डर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, अच्छे बुरे धंधे वाले चाहे सरकार को टैक्स दे ना दे, मगर तातार जब चाहे जितना चाहे टैक्स वसूल कर लेता है। इस देश का पॉलिटिकल माहौल भी हमारे हक में है। बड़े बड़े मुजरिम हमारी मदद से देश के नेता बन चुके हैं। हर चालाक आदमी आज अपने अपने हिस्से का हिंदुस्तान लूट रहा है, लेकिन अब तातार की बारी है हिंदुस्तान को हड़पने की। बाबू सेठ, हिंदुस्तान के गांव गांव में आरडीएक्स के बीज बिछा दो ताकि लोगों की जिंदगी तातार की मुट्ठी में रहे। रॉबर्ट, जो गलती तुमने पूर्लिया में की उसका बदला लो। हथियार गिराने की रफ्तार बढ़ा दो। आसमान से नहीं तो पानी से, नहीं तो जमीन से। बख्तावर यादव का छोटा भाई। क्यों, तेरा भाई बख्तावर यादव आजकल नशे में रहता है क्या? बिल्कुल नहीं, हम नशे का बिजनेस करते हैं। तातार के सामने जुबान खोलने का मतलब समझता है तू? बख्तावर यादव का भाई मौत से नहीं डरता, और जो मौत से नहीं डरता तातार उसे मारता नहीं, जिंदा दफनाता है। छोड़ो मुझे। इस जिंदा बंडल को 80 किलो का स्टैंप लगाकर बख्तावर को पार्सल कर दो। भारत सरकार इसकी डिलीवरी दे देगी। चिता पर रखी हुई ये बेजान मिट्टी बख्तावर का दाहिना हाथ था। ये तो अभी एक ही पल में जलकर राख हो जाएगा, लेकिन मुझे जन्म भर के लिए जलता छोड़ जाएगा। मैं जानता हूं कई आंखें अपने दोस्त को याद कर रही है, लेकिन इस दोस्त की चिता को आंखों के पानी की जरूरत नहीं, बल्कि बदले की आग की जरूरत है।
पागल कुत्ते की मैयत में इतने लोगों को शामिल करके उसकी मौत को इज्जतदार बनाने की कोशिश कर रहा है, या फिर तमाम लोगों के सामने अपने भाई की लाश बिछाकर उनसे दोस्ती की भीख मांग रहा है। यकीनन तुम सब इसके दोस्त हो। देखो इसे, गौर से देखो इस मुर्दे को। कल तक सारा हिंदुस्तान इसके गेम के लिए छोटा पड़ता था, लेकिन आज दो गज जमीन भी इसके लिए बड़ी पड़ रही है, सिर्फ इसलिए कि इसने तातार के साथ दुश्मनी की बात सोचने का गुनाह किया। और तुम सब के लिए ये वक्त, ये जगह आखिरी मौका देता है। फैसला कर लो कि तुम तातार के साथ हो या इस मुर्दे के साथ। मैं तातार के साथ, हम तातार के साथ हैं, हम तातार के साथ हैं। सुना तूने लोग क्या कह रहे हैं? भाई मरा, दोस्त गए, अब तू जी कर क्या करेगा? जा अपने भाई के पास जा। मर गया ये भी, अब वो सब मरेंगे जो मेरे दुश्मन के दोस्त हैं, और इससे पहले वो सब मरेंगे जो अभी अभी तातार के डर से उसके दोस्त बने हैं। बहुत जल्द तातार का भविष्य जेल के अंधकार में बदल देंगे। प्लीज बी सीटेड। दोस्तों, दुनिया में राज वही करता है जिसके पास आला दर्जे का हथियार हो। हमारे लैब में कैदी साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला तैयार किया है जिसका छोटा सा नमूना वो आपके सामने पेश करने वाला है। फिर वही बुम। जो होने वाला था वो नहीं हुआ। जानता हूं हरामजादे, तेरा फॉर्मूला सही है, तू बनाता भी सही है, मगर बनाने के बाद तू जानबूझकर अपने जात की हत्या कर देता है। तातार, मेरे साथ मेरा ये फार्मूला भी मर गया। फॉर्मूला तो तातार को मिलेगा, ये नहीं तो कोई और। आप सब जानते हैं कि अपने कॉलेज की स्टूडेंट रोशनी रमन को जीनियस स्टूडेंट ऑफ द ईयर का नेशनल अवार्ड मिला है। मैं रोशनी रमन को अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आपके सामने अपनी खोज का कुछ नमूना दिखाएं। मेरी ये खोज कोई बहुत बड़ी खोज नहीं है,
बिना तार के बिजली का गुजरना आप सबने देखा है। बरसात में आसमान से बिजली बिना तार के ही नीचे आती है। ये खोज मेरे पिताजी ने शुरू की थी, मगर 5 साल पहले उनके देहांत की वजह से खोज अधूरी रह गई थी। अब मैं भी इसी खोज में अपनी जिंदगी लगाऊंगी। कोई गलती नहीं मांगता, वरना तुम्हारा 50 करोड़ गया। जाबर से कभी कोई गलती नहीं होती। अभी अभी खबर मिला है कि एक दूसरा गैंग भी लड़की को किडनैप करने वाला है। जहां जाबर है वहां दूसरा कोई नहीं आएगा। गुड दोस्तों, ये कैसी इजाद है, अगर ये सही आदमी के पास रहे तो इसमें बहुत गुण है, और यही इजाद किसी गलत आदमी के हाथ लगे तो यह खतरनाक भी बहुत है। माँ, माँ, मेरी बच्ची, इतनी देर कैसे हो गई? शो तो कब का खत्म हो गया? अरे माँ, ये कहो कि मैं इतनी जल्दी आ गई। हर आदमी मुझे मुबारकबाद देना चाहता था, और वहाँ इतनी भीड़ थी कि पूछो मत। माँ, तुमने मेरा शो देखा? देखा। ना देखती तो अच्छा होता। क्यों माँ? तुझे टीवी पर देखकर बहुत अभिमान हो रहा था, और अभिमान तो बुरी चीज है ना। भगवान ना करे तुझे किसी की बुरी नजर लग जाए। जो जहाँ है वही जम जाए, जो हिला वो मरा। फंक्शन में तो तू पुलिस की वजह से बच गई लड़की, मगर अब ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मेरी खामोश। जब तक ये बैरल चेक कैश नहीं हो जाता तुम खामोश रहोगी, और हाँ, पुलिस को बीच में मत लाना वरना बे औलाद हो जाओगी, समझी? प्रणाम भाभी जी। आइए सूर्य प्रताप जी। रोशनी कहाँ है? कहाँ है रोशनी? छुपाओ मत भाभी जी, वो जरूर आ गई है। ये देखिए, उसके फूल, उसकी ट्रॉफी सब यही है। रोशनी, रोशनी सर, आपके लिए मैसेज। हेलो, आपको आईजी साहब ने बुलाया। क्या? अच्छा ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। देखिए भाभी जी, ये है पुलिस की नौकरी, बच्ची के साथ खुशी के 10 मिनट भी नहीं बांट सकते। रोशनी से कहिए मैं फिर आऊंगा। हथियार कहां से मिले तुम्हें? राम सदो, कहां से मिले हथियार तुम्हें? हेलो, हमारे आदमी जिसे तूने डाडा में कैद किया है उन्हें छोड़ा क्यों नहीं? ये कभी छूटेंगे भी नहीं। अगर इन्हें छोड़ दिया तो पुलिस की गोली से छलनी तेरी लाश की शिनाख्त कौन करेगा? बख्तावर यादव के खानदान की लाशें तो तूने अब तक गिन ली होगी। अब दातार तुझे आखिरी चेतावनी देता है, हमारे आदमियों को छोड़ दे फौरन। बेकार ना कर दातार, तुझे भी बहुत जल्द गिरफ्तार करके इन्हीं की कतार में खड़ा कर दूंगा। बोल, अब तो खुश? दातार तेरी जंग वर्दी से है, और वर्दियां ना हारती हैं ना मरती हैं, और मैं इसी वर्दी में लपेट कर तेरी लाश को दफन करूंगा, ताकि मरने के बाद भी तू वर्दी से डरता रहे। Cheers. Cheers.
लड़की कहाँ है? नहीं होता, सिर्फ उसके आदमी का ही टिकाई नहीं पड़ते। Wah, wah, wah.
क्या इनाम चाहिए तुम्हें बंजारा सरदार? इनाम तो हमें मिल चुका है सरकार, उससे भी ज्यादा सम्मान दिया है आपने। ये नागू सरदार की बेटी है ना? जी हाँ। इसका बाप हमारा काम करते हुए शहीद हो गया था, जरा ख्याल रखना इसका। इसका ख्याल हम क्या रखेंगे, ये तो खुद सारे कबीले का ख्याल रखती है। अच्छा, ये लो तुम्हारे इनाम। साला के आदमी है ये ददार, जो साइज में मुझसे छोटा है, मगर मैं उसके सामने बोना लगता था। ऐसा लगता था कि ददार की आंखें जिसे देख लेती वो सुन हो जाता था। ऐसी जुबान जो सिर्फ हुक्म देना जानती है। मेरे पास पूरा गैंग था, हथियार थे, मगर सब बेकार। लानत है तुझ पर, लानत है तुझ पर। वो लड़की वापस आएगी, मैं ददार से वो लड़की वापस लाऊंगा। और उसकी सारी बुलंदी बर्बाद कर दूंगा। मैं ये काम ऐसे आदमी से करवाऊंगा जो ततार को जानता ना हो। पता करो जुल्म की दुनिया का नया सितारा कौन है। राम, राम, रुद्रा राम। रोशनी को छुड़ा कर लाना है। आ जाएगी। कितना? 10 लाख। और पेशगी? 1 रुपया। 1 रुपया? और 1 रुपया देने के बाद बाकी का रुपया ना दूं तो? काम हो जाने के बाद वो रुपया मेरा है, और जो मेरा है उसे कोई नहीं छीन सकता। डन। मुझे तुमसे एक बात करनी है। मुझे भी तुमसे एक बात पूछनी है। तातार को जानते हो? जान लूंगा। अगर जानने के बाद ये पता चले कि तातार कौन है, कहीं तुम अपने सौदे से मुकर तो नहीं जाओगे? अगर तुम्हारा काम असंभव है तो वो मेरे करने लायक है। बस इतना बता दो कि तुम रोशनी को छुड़वाना क्यों चाहते हो। इंसानियत। तुरतुरिया पटाके ते छुरछुरिया, खूब, बहुत खूब। माफ करना दोस्त, तुम्हारे 1 रुपए की पेशगी ने मुझे शक में डाल दिया था, मगर अब यकीन हो गया है कि तुम ये काम कर लोगे, क्योंकि तुम शेर की तरह बहादुर हो और भेड़िए की तरह चालाक भी।
ये सब मेरे ही आदमी थे। हेलो मिसेस रमन, हम तातार बोल रहे हैं। आपकी बेटी रोशनी इस वक्त हमारे पास है, उससे कहो कि हमारा काम कर दे। आपका ऐसा कौन सा काम है जो रोशनी कर सकती है? वही काम जो उसके साइंटिस्ट बाप ने शुरू किया था। हम रोशनी को टेलीफोन दे रहे हैं, उसे समझाइए तभी वो घर आ सकती है। लो अपनी माँ से बात करो। माँ, रोशनी माँ, रो मत बेटी, देख जल्दी उनका काम पूरा करके घर आ जा। रोशनी, रोशनी, बस आज इतना ही, कल फिर इसी वक्त। सुना तुम्हारी माँ ने क्या कहा? तुम्हें सिर्फ वही काम करना है जिसके लिए कॉलेज में तुम्हें इनाम मिला था। हमारी मुट्ठी में 5000 वोल्ट डाल दो, फिर अपनी माँ के पास चले जाओ जिंदा। हेलो, रोशनी के लिए आंसू बहाने से रोशनी घर नहीं आएगी। कौन है आप? आपका एक हमदर्द। गौर से सुनिए, एक ही आदमी है जो इस वक्त आपकी मदद कर सकता है और वो है राम। राम का पता? कौन? मैं रोशनी की माँ हूँ। तो मुझे राम से काम है। क्या काम है? देखिए, मेरी बेटी का अपहरण किया गया है। तो अगर राम चाहे तो मेरी बेटी वापस आ सकती है। राम ऐसा नहीं चाहेगा। ऐसा मत कहिए, मेरा रोशनी के सिवा और कोई नहीं है। आप एक माँ की मजबूरी समझिए। देखो भाई, तुम रोने के लिए गलत जगह आई हो। हमारे पेशे में न माँ है, न ममता है, न धर्म है, न कर्म है। हम पुजारी हैं सुपारी के, और रोशनी की सुपारी हम ले चुके हैं। तुम जाओ। नमस्कार, रुद्रा राम। राम? हाँ माँ जी, आप मेरे दो एक सवालों का जवाब दे दीजिए। रोशनी की किडनैपिंग रुपयों के लिए भी हो सकती है, क्या आपसे किसी ने रुपयों की मांग की? नहीं। कोई दुश्मन? नहीं। कहीं से कोई टेलीफोन, कोई डिमांड? बिना वजह कोई किडनैप करे और बिना वजह कोई छुड़वाए, ये नहीं हो सकता। आपको छुपा रही है, रोशनी की हिफाजत के लिए आपको सब कुछ बताना होगा। माँ जी, आप रोशनी की रिहाई भी चाहे और डरती भी रहे, ये अच्छा नहीं है। आप जितना भी जानती हैं मुझे बताइए। ऐसा हुआ कि हेलो, हम खुश हैं कि अभी तक आप हमारे साथ बहुत अच्छी तरह कॉपरेट कर रही हैं। आपकी जरा सी भूल रोशनी की जान ले लेगी। पुलिस वाले और दूसरे भी बड़े हमदर्द बनकर आपके सामने खड़े होंगे, मगर हर हाल में आप अपनी जुबान बंद रखिएगा वरना। क्या बात है माजी, किसका फोन था? किडनैप करने वाले का फोन था, था ना? फोन तातार का था। माँ, Thank you.
तेरे आंसुओं की कसम खाकर राम वादा करता है, रोशनी वापस आएगी और 25 जनवरी को अपना जन्मदिन तेरे साथ यही मनाएगी। क्या बात करते हो, इस फैसले की वजह? गुरु, रोते वक्त वो मेरी मां की तरह लग रही थी। जब मेरे पिता को मुखबिर होने के शक में मारा गया था तब मेरी मां भी वैसे ही रोई थी। जब कुछ लोगों ने मेरी बहन के साथ उस वक्त भी मेरी मां वैसे ही रोई थी, और जब हमारा घर जलाया गया था उस वक्त भी मेरी मां वैसे ही रोई थी। ये तो कोई वजह नहीं हुई सुपारी वापस करने की। वजह? जब मार हो रही हो तो और किसी वजह की जरूरत है? नहीं। सुपारी मैं वापस करूंगा। ये रही तुम्हारी सुपारी, रोशनी आ रही है। तो सुपारी वापस क्यों? जब रोशनी आ रही है तो फिर सुपारी क्यों? मैं समझा नहीं। रोशनी आएगी और अपने घर जाएगी। ऐसा क्यों? इंसानियत। सुपारी के धंधे में ये इंसानियत क्या चीज है? पहली बार तुम्हारे ही मुंह से सुना था, इंसानियत। समझा। तो तुमने रोशनी की मां के साथ सौदा कर लिया है। क्या मिला? आशीर्वाद। अगर तुम तातार के डर से ये सौदा तोड़ देते तो मैं तुम्हें माफ कर देता, क्योंकि तातार डरने की चीज है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मगर एक औरत के आशीर्वाद के लिए जाबर की सुपारी वापस? मैं एक वक्त पर एक ही आदमी से दुश्मनी करता हूं, इसीलिए तुम अभी तक जिंदा हो। पहले मैं तातार से निपट लूं, फिर तुझे देखूंगा। आमीन। ओए, एक बात तो सुनता जा, रोशनी आएगी और हमारे ही पास आएगी, मगर तू उसकी तरफ जाना मत, वरना रोशनी आए या ना आए तू जिंदा नहीं बचेगा। अगर तुमने मुझे धमकी दी है तो मेरे कानों ने कुछ सुना नहीं। नारा है तुरतुरिया, पटाखे ते छुरछुरिया, ये धमकी नहीं है मुन्ना, ये मेरा प्रॉमिस है, और जाबर अपना प्रॉमिस पूरा करता है। दूसरा कौन है जो ये काम कर सकता है? जाब। आजा आजा आजा, हाथ लगा मुझे, हाथ लगा। अरे तू तो हाथ लगा ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो लोहे की सलाखों के बीच में बंद हूँ। तू 420 है। 25%। तू फरे भी है। 50%। पहले तू मुझसे बोला कि तू गवर्नर का ग्रैंडसन है, फिर मुझसे कर्जा लिया, फिर मुझे ऐसे बैंक का चेक दिया जो हिंदुस्तान में है ही नहीं। हिंदुस्तान के बाहर पता किया होता। तू झूठा है। 100%। पूरी दुनिया जानती है कि श्याम जब भी बोलता है झूठ ही बोलता है, और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलता। पर इतनी सी बात के लिए तूने मुझे जेल भिजवाया? हाँ। अच्छा बाबा जा, मैंने अपना कर्जा माफ किया, जा। जा सेठ, मैंने भी तुझे माफ किया। बचा लिया, बचा लिया, कोई नहीं बचा सका मगर लोहे ने बचा लिया। लोहा ही असली चीज है। Ah!
उसके पास जाएगा? नहीं, अपने बच्चों की कसम। मुझे जेल भिजवाएगा? नहीं नहीं नहीं, धर्म की कसम। बोल। नहीं 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 नहीं, रुपए की कसम, रुपए की कसम। नहीं, छोड़ दे छोड़ दे, कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। हमारा एक काम है। समझो, काम हो गया। अरे काम तो सुन ले पहले। काम सुने बगैर तुम्हें यहाँ आता ही नहीं। पैसों की बात करो। इस काम का तू क्या लेगा, दाम बोल। मैं काम का दाम नहीं लेता, अपनी पूरी जिंदगी की कीमत लगाता हूं, क्योंकि ऐसे काम में तो जान भी जा सकती है। कीमत बोल। पेश की 10 लाख। गुड। रेट बता रहा है कि तू ये काम कर लेगा, पर इसके साथ एक काम और करना होगा। 20 लाख पेश की। मंजूर। रोशनी को तो मारना है, मगर इससे पहले उसे मारना होगा जो रोशनी को बचाना चाहता है। हम जो रोशनी मर चुकी, रोशनी को बचाने वाला मर चुका। चीयर्स। अगर पैसे लेने के बाद मैं काम ना करूं तो? ओ रांझिया, तेरी जेब में ये रुपया मेरा एजेंट है, जो तुझसे मेरा काम करवाता रहेगा। शायद आपको पैसे की आदत नहीं मालूम, ये जिसकी जेब में रहता है उसी का वफादार होता है। चीयर्स। चीयर्स। एक्शन, और वो भी तातार के खिलाफ। आने दो उन सबको, वो तातार तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, रास्ते में ही उनकी मुलाकात कयामत से हो जाएगी। क्या आप मुझे फोर्ट सिटी रोड तक लिफ्ट देंगे? आपको कैसे मालूम कि मैं फोर्ट सिटी रोड जा रहा हूँ? ये रास्ता फोर्ट सिटी रोड ही जाता है ना? अब आपकी खातिर तो वहां जाना ही पड़ेगा। बैठिए। थैंक्स। आपको मालूम है फोर्ट सिटी रोड बहुत सुनसान और खतरनाक रास्ता है। आप डरिए मत, मैं जो आपके साथ हूं। वैसे तुम्हें जाना कहां तक है? जहां उतर जाओ। घर से भागी हो क्या? किसी का पीछा कर रही हूं। तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की तो किसी दोस्त का ही पीछा कर सकती है। मेरे जैसी लड़की अपने दुश्मन का भी पीछा कर सकती है। डर गई क्या? ये है वो बैग। क्या मेम साहब, मदद मांगता है क्या? मेरे साथ ट्रक में आ जा। क्या? आ,
आपका स्कार तो नहीं मिला। कोई बात नहीं, स्काफ ने अपना काम कर दिया है। जीप यहाँ क्यों रुक दी? मेरी जीप आखिर मशीन है, कोई इंसान तो नहीं जिसे आराम की कोई जरूरत ना हो। बात आराम की नहीं है, बात तो ये है कि अब सफर के लिए जीप की लाइट चलानी पड़ती जो दूर से भी नजर आ सकती है, और आप नहीं चाहते कि आपके सफर का पता किसी और को चले। सॉरी, मुझे और अपने बैग को तलाश करने में अपना वक्त बर्बाद मत करना। लिफ्ट देने का शुक्रिया एक दोस्त। आज के बाद जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं कर लूं, मैं दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। थैंक यू, मैंने कहा थैंक यू। आपने पूछा नहीं कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। लगता है आपको वर्दी की पहचान है, जरूर हमारे बीच कोई कनेक्शन है। मिलाओ हाथ। गाड़ी रोक दी तेरे हाथों को आजाद करने के लिए। ये क्या कर रहा है? चुप। तू जानता मैं कौन हूं? श्याम, चाबर के कहने पर रोशनी और रोशनी को बचाने वाले को मारने निकला था तू, अब खुद बचने का इंतजाम कर। तो तूने मुझे बचा लिया राम, लेकिन वहां तुझे कौन बचाएगा जहां तू जा रहा है? हां राम, तातार किसी इंसान का नाम नहीं, एक ज्वालामुखी है जहां ना तो तू अकेला जा सकता है और ना मैं। हम दोनों मिलकर ही रोशनी को बचा सकते हैं। मगर रोशनी किसको मिलेगी? उसे ही जो बहादुर होगा। अगर तुम्हें अपनी मां से प्यार है तो जल्द से जल्द ये फॉर्मूला तैयार करो।
अरे श्याम, मुझे तो सिर्फ मंजिल का पता था, पर वहां तक पहुंचने का रास्ता तुझे तो मालूम होगा ना? रास्ता तो मुझे भी नहीं मालूम, पर जिसे रास्ता मालूम है मैं उसे जानता हूं। कौन है वो? है एक बंजारन जो समझती है कि मैं उससे प्यार करता हूं। इतना गुस्सा? लगता है आज फिर उस परदेसी की याद आई है। याद आने की क्या बात है, हम तो उसे कभी भूलते ही नहीं। क्यों जानबूझकर एक झूठे से दिल लगा बैठी हो? हम जानते हैं वो झूठा है, फरेबी है, धोखेबाज है, मगर हमारे दिल पर कब्जा सिर्फ उसी बेवफा का है। चंपा ने भी एक परदेसी से प्यार किया था, जानती हो ना क्या हुआ था उसका? क्यों ऐसा करती हो पगली? रात को पतंगों से पूछ लेना, क्यों जानबूझकर चिराग पर जल मरते हैं। चल चलते हैं उसके पास, जो समझती है कि तू उससे प्यार करता है। अभी नहीं, रात को।
तेरी जो याद तेरी जो आए ये दुख तो सहा ना जाए याद तेरी जो आए ये दुख तो सहा ना जाए कैसी हो सुने ना मैं आ गया सुने ना इतने दिन बाद कब आना था और कब आया है इसकी नाराजगी बता रही है कि ये अब भी मुझसे प्यार करती है गुड तो इंस्पेक्टर शिंदे की आवाज आइए इंस्पेक्टर साहब नहीं रात गए आप हम एक लड़की की तलाश कर रहे हैं यहाँ कोई लड़की तो नहीं आई यहाँ कोई लड़की नहीं आई लेकिन अपनी तसल्ली के लिए तलाशी ले लो शायद तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जिसकी तलाश कानून को हो कौन है ये बोलते क्यों नहीं वो कौन है पापू वो सरदार का मेहमान है हाँ वो हमारा मेहमान है और ये वो मेहमान का साथी है सरदार हम जा रहे हैं मगर फिर आएंगे ठीक है इंस्पेक्टर साहब पानी ठंडा है पानी तो बहुत ठंडा है कमाल है पानी इतना ठंडा है मगर तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा लगता है तुम्हारा दिमाग अभी तक गरम का गरम ही है हम यहाँ नहा रहे हैं इसीलिए तो आया हूँ जहाँ लड़कियाँ नहाती हैं वहाँ शरीफ आदमी नहीं आता मुझे कुछ दिखाई नहीं देता तुम्हारे हुस्न ने मुझे अंधा बना दिया तू जाता है या नहीं अरे बाबा मैंने सॉरी कहा कान पकड़े माफी मांगी अब तो यकीन कर लो कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा धोखा तूने नहीं हमने अपने आप को दिया है हमारा दिल कहता रहा हमारी सहेलियां हमें समझाती रही कबीले का सरदार हमें बार बार खबरदार करता रहा कि सुनैना उसके प्यार में मत पड़ो पछताओगी मगर हमने नहीं माना हम तेरे प्यार पे एतबार करते रहे और अंत में क्या मिला तेरा झूठ ये जेल की नंबरदार वर्दी क्या झूठ है सेंट्रल जेल की दीवार फांदकर कर तुम्हारे लिए आना क्या झूठ है सुनैना मैं कसम खाकर कहता हूँ कि तूने पिछली बार भी कसम खाई थी हाँ खाई थी कहा था सोने के गहने लेकर आऊंगा लाया क्या मैं तो सोना ला रहा था मगर सोचा कि तुम तो खुद एक गहना हो और गहने को गहने की क्या जरूरत है तुम तो हीरा हो मोती हो तेरा रंग ढंग बता रहा है कि इस बार किसी खास फायदे के लिए आया है आया तो फायदे के लिए ही था सोचा तुमसे मुलाकात होगी बात होगी सोने का दिन होगा चांदी की रात होगी पहलू में यार होगा खुलकर प्यार होगा ये
तू जा, तू जा यहां से। ये कब जाएगा यहां से? कब जाएगा? जिसको पाने के लिए हम महीनों पूजा करते रहे, मन्नतें मांगते रहे, उसके बारे में कह रहे हो सरदार? हाँ, वो यहां नहीं रह सकता। वो यहां से अब जा नहीं सकता। जेल से फरार है वो। हमारे दिल का करार है वो। तूने अपने सरदार का गुस्सा नहीं देखा? हम जिस वक्त चाहेंगे उसे इस कबीले से बाहर निकाल देंगे। सरदार, आपने प्यार की कुर्बानी नहीं देखी है। अगर श्याम यहां से गया तो ये कटार हमारे सीने में होगी, समझे? ये लड़की अपने कबीले से बगावत कर रही है, जिसकी सजा मौत है, सिर्फ मौत। नहीं बापू, नहीं, ऐसा मत करना। मेरा क्या होगा बापू? अरे बाबा, उस रात पुलिस मेरी ही तलाश में आई थी। मगर वो तो किसी लड़की को खोज रहे थे। पुलिस तो कभी सच बात नहीं बताती। उस रात तो सरदार ने मुझे बचा लिया, लेकिन कब तक बचाएगा? अगर इस बार पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो सीधा तहखाने में डाल देगी, जिंदा कब्र में। सिर्फ एक आदमी है जो मुझे कानून से बचा सकता है। कौन? तातार। तातार? हाँ, मुझे तातार से मिला दो। तातार से किसी का भी मिलना असंभव है। तुम चाहो तो मिला सकती हो। ऐसा चाहने का हमें कोई हक नहीं है, और अगर हम चाह भी लें तो भी मिला नहीं सकते, समझा? क्यों? तुमने तो कहा था कि तातार ने तुम्हारे डांस पर खुश होकर तुम्हें इनाम दिया था, फिर क्यों मिलने से मना करेगा वो? मिलने की मनाई तातार की तरफ से नहीं, कबीले की तरफ से है। तातार के यहाँ कोई बिन बुलाए नहीं जा सकता। ठीक है, अब अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो हमारी अगली मुलाकात अगले जन्म में ही होगी। तू समझता क्यों नहीं? तातार के लिए हमारे कबीले का कानून नहीं बदल सकता। तो अपना कबीला छोड़ दो। वो लोग हमें मार डालेंगे। मोहब्बत के नाम पे मर जाओ। मर तो सकते हैं, मगर मोहब्बत को क्या फायदा होगा? फायदा होगा, पहले तुम कुर्बानी के रास्ते पर तो चलो। कुर्बानी का रास्ता? हाँ, वो रास्ता जो तातार के किले तक जाता हो। ठीक है, दिल तो नहीं मानता, मगर अपनी मोहब्बत की खातिर हम कुछ भी करेंगे। अपने दोस्त से कह दे चांद डूबते ही निकलने के लिए तैयार रहे। मेरा दोस्त नहीं सुने ना, सिर्फ हम दोनों जाएंगे। मारने के लिए तूने कमांडो भेजे हैं डीआईजी? मारने के लिए नहीं, तुझे जिंदा पकड़ने के लिए। तातार को जिंदा पकड़ने के लिए जिन पुतलों को तूने भेजा था, सबके सब उड़ गए। श्याम, तू यहां? हाँ, मैं अकेले जा रहे हो? इस नाव पर सिर्फ दो ही आदमी जा सकते हैं। दो आदमी? ठीक है, मैं और तू। रास्ता कौन दिखाएगा? नाव पर हम दोनों बैठेंगे, और इस बंजारन को मैं अपने हाथों पे उठाए रखूंगा। तू जाता है या नहीं? नहीं। तू समझता क्यों नहीं? हम जिस काम के लिए निकले हैं, अकेले अकेले जाना ही ठीक रहेगा। मगर उस दिन तो तू साथ जाने के लिए कह रहा था। तू अकेला जा सकता है, मगर मुझे मारने के बाद
तुम लोग लड़ो मत बाबा, हम ही चले जाते हैं। सुनैना, सुनैना, सुनैना प्लीज। देख, मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तुझे मार देने पर मेरा मिशन यहीं पर पूरा हो जाएगा। लेकिन मुझे अपना मिशन पूरा करने के लिए तेरे जैसे कितनों को मारना पड़ेगा। ना राम जाएगा ना श्याम। ये कोई तरीका है मिशन पर जाने का? रेडी, 1 2 3। अरे मर गया। मेरी ही पिस्तौल मेरे ऊपर, मेरा थैला चुरा कर कहां भाग गई थी? चुरा कर नहीं, बचाकर। कल रात अगर वो थैला तेरे पास रहा होता तो अब तक तू पुलिस कस्टडी में होता। तुझे मालूम था कि रात को पुलिस की रेड पड़ेगी? जो बात गुजर चुकी है उसे जानकर क्या करेगा। आगे की बात सुन, मैं नाव लेकर आई हूँ, उस पर कई आदमी जा सकते हैं। तुझे कैसे मालूम था यहाँ नाव के लिए लड़ाई होगी? मुझे ये नहीं मालूम था कि यहाँ नाव के लिए लड़ाई होगी, मुझे तो सिर्फ ये मालूम था कि यहाँ से आगे सिर्फ नाव से ही जाया जा सकता है। मगर तू है कौन और ये कैसे जाना कि हमें कहाँ जाना है? तेरे दोनों सवालों का एक ही जवाब है, मैं तुम्हारी यात्रा का शुभ लग्न मुहूर्त हूँ। ये शुभ लग्न मुहूर्त कहीं हमको फंसा तो नहीं देगा? फंसने का डर है तुझे? अभी अभी तो तुम लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे ना, और वो लड़ाई तूने ही शुरू की थी। कौन लड़ाई लड़ रहा था? हम एक मुश्किल मिशन पर निकले हैं, हमें पता रहना चाहिए कि एक दूसरे के पास कितनी ताकत है। हम तो जोर आजमाइश कर रहे थे। सच्ची बात सुनकर बहुत खुशी हुई। चलो। गुड आफ्टरनून सर। डीआईजी, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की ना तो खड़े खड़े तेरी ये वर्दी उतरवा दूंगा। सर 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 क्या करता है? आज के बाद तातार के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से पहले मेरा ऑर्डर ले लेना। लेकिन सर, तातार को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 1 करोड़ के इनाम का ऐलान तो आप ही ने किया है। करोड़ और लाख सुनते ही पुलिस एक्शन में आ जाती है। डीआईजी, मैं तुझे वार्निंग देता हूँ, तू मेरे हुक्म के बिना तातार के खिलाफ कुछ नहीं करेगा। ये मेरा सख्त ऑर्डर है, समझा? समझ गया। लेकिन आप अपना ये सख्त ऑर्डर लिख कर देंगे? अगर लिखना ही हुआ तो सबसे पहले तेरा डिसमिसल ऑर्डर लिखूंगा। हेलो, बंद करिए नाटक, उठ। बहुत बड़ा नेता बन गया तू, हाँ? डकैती, बलात्कार और गबन के साथ केसेस थे तुझ पर। दातार ने सबूत मिटाए और तुझे बचाया। दफा 302 का मुजरिम था तू, अब तक फांसी पर झूल गया होता। दातार ने तुझे बचाया जी। सलाखों के पीछे बंद था तू,
दातार ने तुझे 5 लाख वोटों से जिताया और इतना बड़ा मिनिस्टर बनाया, और तू मेरे 4 आदमियों को रिहा नहीं करवा सकता। सॉरी सर, मैं आज ही उन 4 आदमियों को छुड़वा देता हूँ, इसलिए मैंने बुलवाया उस DIG को यहाँ। तुम होश में तो हो? इतने बड़े देशभक्त नेता के बंगले पर तातार कैसे हो सकता है? जी मैं बिल्कुल होश में हूँ और तातार को पहचान रहा हूँ। भूल जाओ तातार को और चुपचाप ऑफिस में आकर अपनी ड्यूटी पूरी करो। तातार को भूल जाने के बाद फिर कौन सी ड्यूटी रह जाती है सर? हेलो हेलो हेलो, ये ले, बेल्जियम के पत्थर हैं, ऐश कर। शुक्रिया सर, आपसे गिफ्ट पाके मेरी गरीबी दूर हुई। तातार, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे ये क्या कर रहे हो? चुप। हिंसा? अपनी टोपी उठा। इस टोपी पर तातार के जूतों की धूल लगी है, ये तेरे सर के लायक है, पहन ले इसे। बहुत जल्द मिलूंगा तुझसे DIG। यो ऑनर, मुलजिम तातार को अदालत के सामने पेश करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है? हुजूर, इस अदालत में इतना बड़ा गुनहगार कभी आया नहीं होगा। मैं इस अदालत से। तातार, चेहरे से कपड़ा हटाओ। साइलेंस, साइलेंस, द कोर्ट इज एडजर्न्ड। गायब हो गया तातार? क्या सचमुच वो तातार ही था? अब क्या तू रिजाइन करेगा? गुस्सा बहुत बुरी चीज है DIG। तातार? हाँ तातार, सोचा पुराना वादा है पूरा कर दूं। वैसे तू बहुत ही नालायक ऑफिसर है, एक ऐसे मुजरिम को जिसे ताजरात हिंद का हर कानून ढूंढ रहा है, उसे पकड़ने के बाद भी अदालत में पेश नहीं कर सका। अब तो लोग यही कहेंगे कि DIG सूर्य प्रताप तातार के हाथों बिक गया। लोग ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि लोगों को तातार की लाश DIG के घर में ही मिलेगी। अब ना तू अरेस्ट होगा और ना कोर्ट जाएगा, सिर्फ एक गोली चलेगी और अपराध की सबसे मोटी फाइल हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। हमने सुना है तेरी सरकार हर गोली का हिसाब मांगती है, और हम नहीं चाहते कि तू 6 गोलियों का भी हिसाब सरकार को दे न सके। मैं इन 6 गोलियों का हिसाब दूंगा, मगर सरकार को नहीं, इतिहास को। ये गोलियां तेरे जिस्म से निकालकर नेशनल म्यूजियम में रखी जाएंगी, जहां लिखा होगा इन्हीं गोलियों से देश का दुश्मन मारा गया था। अपने वतन से और तुझ से मेरा वादा है।
और हमारी भी ये जिद है कि तू हमारे आदमियों को 26 जनवरी से पहले छोड़ेगा। तातार तुझे ये आखिरी मौका देता है। हम पानी पीकर आते हैं। मुझे तो याद ही नहीं आया, बहुत प्यास लगी है मुझे। राम, तुम जानते हो तुम एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर जा रहे हो। जी। तुम्हें हर वक्त हर बात से सावधान रहना चाहिए। जी। और तुम जानते तक नहीं कि मैं कौन हूँ। जानता हूँ मैं। कौन हूँ मैं? तुम जो कोई भी हो, मेरे लिए खतरा नहीं हो। मुझे भी बहुत प्यास लगी है। अगर प्यास पानी की है तो आकर पी ले, फिर तू जान प्यासा ही नदी के पास जाता है, नदी तो कभी प्यासे के पास जाती नहीं। ठीक है, मर जाने तो प्यासा ही। जब हो तुम जो लेते हो सुबह का खाना, नजर से अजब हो तुम जो लेते हो सुबह का खाना, नजर से दिया है तुमने फिर कोई पैगा, नजर से अजब हो तुम जो लेते हो सुबह का नजर से जी।
अजब हो तुम जो लेते हो सुबाता का नजर से जब हो तुम जो लेते हो सुबह का काम नजर से तू मिशन पर आया है या पिकनिक पर? अरे मियां, मोहब्बत से बड़ा और क्या मिशन हो सकता है लाइफ का? ठीक है, तू अपनी लाइफ को देख और मैं अपना मिशन देखता हूँ। अरे रुक यार, तातार के यहाँ जाने का यही सही तरीका है। हंसते खेलते सीरियस होकर लुकते छुपते चलेंगे तो कभी पहुंच नहीं पाएंगे। तू ऐसा ना समझना कि यहाँ तातार की आंखें हमें देख नहीं रही है। शेर? शिकारी को देखा तो सोचा शेर भी होगा। तातार अपने इलाके में किसी शेर को रहने नहीं देता। अरे तातार को क्या जरूरत है शेर रखने की, वो तो खुद ही शेर है। तुम लोग इस इलाके से चले जाओ वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा, समझे? ने रोशनी को कहां रखा है? तातार तक तुम तो क्या कानून भी नहीं पहुंच पाएगा। ये
लिए मिनिस्टर पुलिस को अपनी अग्रिम जमानत दिखाने आया था? नहीं सर, वो ऑर्डर देकर गए हैं कि इन चार आदमियों को फौरन छोड़ दो। अगर मिनिस्टरों के कहने पर AK-47 वालों को यूं छोड़ते रहेंगे तो पूरे देश में RDX का राज छा जाएगा, निर्दोष लोग मरते रहेंगे और पुलिस पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। लेकिन सर, इंस्पेक्टर, इस वक्त पुलिस की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। वो देखो, वहां से जा सकते हैं। इस रस्सी पर सिर्फ एक ही आदमी जा सकता है, पहले मैं जाऊंगा। नहीं शाम, नहीं, तू हमारे साथ ये नहीं कर सकता। कहां तक जाएगा धोखेबाज? इधर राम उधर रावण है, बीच में फंस कर रह जाएगा। वो कुछ भी नहीं कर सकता, मगर तातार को तो चौका न कर ही देगा और तातार रोशनी को मार डालेगा। राम, तातार हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे पहले कि रोशनी का फॉर्मूला उसके हाथ लगे और वो हिंदुस्तान को अपना बंधक बना ले, हमें तातार को मिटाना होगा। इतनी बड़ी सोच, कौन है तुम? मैं DIG सूर्य प्रताप ठाकुर की बेटी और रोशनी की चचेरी बहन हूँ। DIG की बेटी? फिर क्यों रोशनी की माँ ने रोशनी को बचाने के लिए मुझे चुना? अगर वो चाहे, हम शाम को इस तरह अकेले मौत के मुंह में नहीं जाने देंगे। हम सुरंग के रास्ते शाम से पहले किले में पहुँच सकते हैं, मगर वो सुरंग शैतान का मुँह है, उसमें से गुजरना बहुत कठिन है। चलो। हेलो सर, अपने इलाके में अपने ही गार्ड की ड्रेस में एक आदमी देखा गया है। सियाना कौवा यहां तक पहुंच गया, अगर वो अंदर आने की कोशिश करे तो उसे रोकता नहीं, आने दो उसे। ये है रोशनी, मुझे इसको मारना है। हाँ
मैंने रोशनी को मारने के लिए जाबर से सुपारी ली है और मैंने रोशनी की माँ को उसे बचाने का वचन दिया है। फिर तो तुझे मारकर ही रोशनी को मारूंगा। बॉस, अच्छा हुआ आ गए बॉस। ये रोशनी की मां से सुपारी लेकर रोशनी को छुड़ाने आए बॉस। नामुमकिन। रोशनी की मां को आंसू तक बहाने की इजाजत नहीं है। कौन है तू? ये राम है बॉस, आपका दुश्मन। और तू कौन है? ये श्याम है, राम का दोस्त। अरे नहीं बॉस नहीं, जो तातार का दुश्मन है उससे कौन दोस्ती करेगा? मैंने तो इसे धोखा देने के लिए दोस्ती की थी। लगता है दोनों मारे जाएंगे। तुम दोनों मरोगे। बांधो इन दोनों को। हेलो पापा, मैं तातार के किले से बोल रही हूँ। माय गॉड। पापा जल्दी कुछ करो वरना हम सब यहाँ पे मारे जाएंगे। देखो डरोगी तो मारी जाओगी। इतनी हिम्मत करके वहाँ पहुँची हो तो एक सिपाही की तरह खतरे का मुकाबला करो, समझी? सुने ना? मत ले अपनी झूठी जुबान से हमारा नाम। अरे तुझे तो हमने अपना जीवन साथी मानकर तेरे लिए अपना कबीला छोड़ दिया और तूने हमारे मासूम प्यार को धोखा दिया। तेरा प्यार एक फरेब था। जा बेवफा जा, तू मर के भी चैन नहीं पाएगा। और हम तुझसे ये वादा करते हैं कि तुझसे पहले हम मर जाएंगे। सुने ना, मैं अफसोस मत कर, अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई। हमारे पास बस इतना ही वक्त बच गया है कि अपने आखिरी काम को अंजाम दे दें। दोस्त, मैं तो सिर्फ एक ही मां का काम करने आया हूं, लेकिन तू सब माओ की मां भारत मां का काम कर। अगर हम दोनों मिलकर देश के दुश्मन को मार डालें तो हमारे तमाम पिछले पाप धुल जाएंगे। तकदीर ने मौका दिया है, क्यों ना हम देश के सपूत बन जाए। अगर तू इस मौके को बर्बाद ना करे तो। मौत के घाट उतारने से पहले हमने लोगों को मुर्दा हो जाते हुए देखा है, मगर तुम लोग अब तक जिंदा हो। नहीं नहीं तातार, ये प्यार है हमारा। नहीं तातार, ये शिकार है मेरा। हमारी मोहब्बत हमें भीख में दे दो तातार, और इसको इसके कारनामे का इनाम दे दो। बंद करो ये तमाशा। हम जानते हैं सुनैना कि तुम इस मुर्दे से बेहद प्यार करती हो, मगर ये लड़की तो दीवानी हो चुकी है इसके प्यार में। इसलिए हम तुम्हें अलविदा कहने का पूरा मौका देंगे। गार्ड्स, तुम लोग भी इनका साथ दोगे। बंजारों का सरदार, शुरू करो। पद
तातार के हाथों सबसे पहले मरने का हकदार तू है। कामयाब कामयाब फॉर्मूला कामयाब। मिल गई तातार को वो ताकत जिससे वो दुनिया को भस्म कर सकता है। तू कहां भागती जा रही है? चल इधर। आंसुओं की कसम खाकर राम वादा करता है रोशनी वापस आएगी और 25 जनवरी को अपना जन्मदिन तेरे साथ यही मनाएगी। अरे तुझे तो हमने अपना जीवन साथी मानकर तेरे लिए अपना कबीला छोड़ दिया। Thank you.
गद्दार श्याम। रोशनी माँ। नारा है तुरतुरिया पटाके ते छुरछुरिया। ला वो फार्मूला मुझे दे दे, जरा देखूं तो इन दोनों पर कैसा काम करता है, है? होशियारी नहीं रांझे, ला मुझे दो, मुझे दो। रुक जाओ, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, अपनी अपनी बंदूकें फेंक दो वरना। चल चल, जानलेवा चीज हमारे पास ना हो तो ही अच्छा है। बहुत हो गया रांझे, रुक जाओ तुम। मार राम मार, और दस सारे को मार, मार मार, मार मार राम। नाराय तुरतुरिया, पटाके ते छुरछुरिया। बताओ तुम दोनों में से सबसे पहले कौन मरना चाहता है? चला गोली, चला गोली। नहीं, मुझ पर चला, नहीं मुझ पर चला गोली। नहीं दातार, पहले मुझे मार, गोली हम पर चलाओ दातार। बेवकूफ समझते हो मुझे? तुम समझते हो कि मैं सिर्फ एक को मारूंगा, सबको एक साथ मारूंगा। पापा,
मुबारक हो देवर जी, काम भले ही राम और श्याम ने किया हो मगर इनाम तो आप ही को मिलेगा। आप भूल रही हैं भाभी जी, राम के पास जाने के लिए जो गुमनाम फोन आपको मिला था वो मेरा ही था, क्योंकि अगर तातार को मालूम हो जाता कि पुलिस रोशनी को छुड़ाने की कोशिश कर रही है तो रोशनी के लिए खतरा और बढ़ जाता। जब हो तुम जो लेते हो सुबह दाता नजर से अजब हो तुम जो लेते हो सुबह दाता नजर से दिया है आज तुमने फिर कोई पैगाम नजर से नजर से नजर से नजर से नजर से